जय हिंद दोस्तों, UDCRA में आपका स्वागत है। दोस्तों, अभी हम बात करेंगे भारत और वेस्ट इंडीज़ के बीच में होने वाले आखिरी और फाइनल T20I मैच की। दोस्तों, अगर आप इस सीरीज़ को फॉलो कर रहे हो ना, तो आपको पता होगा कि 2 मैच पहले वेस्ट इंडीज़ ने जीते, तो अगले 2 मैच भारत ने बहुत ही अच्छे तरीके से जीते। जहाँ तीसरे T20I में सूर्य कुमार यादव और तिलक वर्मा का जलवा देखने को मिला, वहीं अगले मैच में, जैसे कि UDCR ने पहले ही आपको वीडियो में बता दिया कि जायसवाल और शुभमन गिल दोनों ही ओपनर चलेंगे, जबकि वो लगातार 3 मैचों से फ्लॉप हो रहे थे, लेकिन ऐसा ही हुआ। अगर आपने उन दोनों को CVC UDCR के कहने पे बनाया होगा, तो कल आप डेफिनेटली कुछ ना कुछ बड़ा वन किए होंगे, है ना। अगर देखा जाए तो आपने कितना वन किया है वो भी आपको बताना ज़रूरी है ना। फ्लोरिडा की पिच रिपोर्ट भी आपको इस ग्राउंड पर ज़रूर मिलेगी इस वीडियो में आपको। तो चलिए सबसे पहले विनिंग्स देखते हैं। दोस्तों, हमारा रैंक देखिए आप कितना चल रहा है, चार चार रैंक आया दोस्तों अपना। ये देखिए, 4 रैंक आया, लगभग 300 बंदों में हमारा रैंक 4 आया दोस्तों आपके सामने। अब आप कहेंगे सर इतना बढ़िया रैंक कहाँ से आता है। दोस्तों, मेरी मेहनत है, मेरी टीम है, टेलीग्राम पे आप मुझे ज्वाइन करेंगे तो आपको भी इतनी बढ़िया ही टीम मिली, ठीक है। अब चलते हैं दोस्तों कमेंट्स देखने, जो हमारी वजह से लोग बढ़िया विन विन किए, आप कमेंट्स पढ़ सकते हो। ये पहला कमेंट क्या है, आपकी टीम से मैं 55,000 जीत गया, क्या बात है, आपके जैसे एक्यूरेट प्रिडिक्शन देने वाला कोई नहीं है ना। आपका वीडियो मैं पूरा देखता हूँ, कुछ भी स्किप नहीं करता। जी हाँ दोस्तों, जब तक आप स्किप करेंगे आप मेरी तरह बड़ी रकम नहीं जीत सकते, है ना। आपको वीडियो बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। अगर एक बार वीडियो पे आ गए तो एटलीस्ट ये 15-20 मिनट का वीडियो पूरा ज़रूर देखिए। अगर आप वीडियो पूरा नहीं देखेंगे तो आपको पता है, आप वही जितने लगाए हैं उतने ही आएंगे या 100-200 फालतू आ जाएगा, इससे ज़्यादा फालतू आपको कुछ भी नहीं आएगा, है ना। सर, कल मैंने आपकी टीम से खेला और अप टू मिनी जीएल, ओहो, मैं आपकी वजह से 2 लाख जीत गया। अब देखिए दोस्तों, ये बंदा कितनी डेडिकेशन से मेरी वीडियो देखता होगा जो ये 2 लाख जीत गया, है ना, थोड़ा ध्यान रखिए। वाह, मज़ा आ गया, ये टेलीग्राम वाले, टेलीग्राम तो बेस्ट है यार, 19,000 जीत गया ये बंदा। अरे भगवान, अरे नहीं नहीं भगवान नहीं हूँ मैं, 3rd रैंक आया इसका 139 बंदों में, क्या बात है। सर, आपकी टीम से मैं रोज़ विनिंग करता हूँ, क्या है जो भी है दोस्तों, 10 से 15 हज़ार बंदा रोज़ जीतता है। आगे देखते हैं टेलीग्राम। दोस्तों, जो YouTube पे आया दोस्तों, YouTube का वो सब्सक्राइब ज़रूर करना है, मैं पहले बता रहा हूँ। जब तक आप सब्सक्राइब नहीं करोगे आपको मेरी प्राइम वीडियोस नहीं मिल पाएंगी। सब्सक्राइब वाला बटन ज़रूर क्लिक करिए, लिंक में आपको दोस्तों हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, सॉरी डिस्क्रिप्शन में, डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे टेलीग्राम का लिंक ज़रूर मिल जाएगा। और साथ में फर्स्ट कमेंट भी मैं पिन कर दूंगा, जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, टेलीग्राम ज़रूर ज्वाइन कर लेना। बैट बॉल में दोस्तों बहुत तगड़ा ऑफर लगा हुआ है, 10,000 का फ्री गिवअवे भी आपको मिलेगा, और साथ में आपको 49 क्लिक 29 में भी मिलेगी, आप चेक कर पा रहे होंगे। ये देखिए, 49 क्लिक आपको 29 में मिल रही है, 30 की 30 टीम आपको 29 में मिलेंगे, तो जितनी मर्जी ग्रैंड लीग आप खेल सकते हो। यहाँ पे 10,000 का फ्री गिवअवे भी आपको मिलेगा, जो आपको कोई ऐप और नहीं देगा, केवल एक माई मास्टर 11 जरूर देगा वो आपको। ये देखिए, 50,000 का फ्री गिवअवे आपको माई मास्टर 11 की तरफ से ये दिया जा रहा है 5वें T20I में। तो दोस्तों, 5वां T20, 50,000 बहुत बड़ी रकम है यार, जल्दी ज्वाइन करो। और ये देखिए, बैट बॉल पे सबसे कम हेड टू हेड है दोस्तों, इससे कम हेड टू हेड के रेट आपको किसी ऐप पे नहीं मिलेंगे, तो सबसे कम हेड टू हेड के रेट आपको बैट बॉल पे मिलेंगे। अब चेक करते हैं दोस्तों फ्लोरिडा की पिच रिपोर्ट। फ्लोरिडा की पिच रिपोर्ट मैंने आपको बोल दिया था कि स्कोर लगभग 180+ बनेगा, उसके आसपास ही शायद बना स्कोर, देख लेंगे, हमारे पास स्टैट्स पड़े हैं। एवरेज स्कोर की जहाँ तक बात की जाए, 168, मैंने बोला था दोस्तों 168 लिखा जरूर है, लेकिन 180 के आसपास बनेगा स्कोर, मुझे लगता है 180 क्रॉस करके गया स्कोर, है ना। हाईएस्ट स्कोर की बात करें 245, लोएस्ट जितना मर्जी हो दोस्तों, हाई स्कोरिंग ग्राउंड है। पिच की बात करें तो बैलेंस्ड पिच रहेगी, बैटिंग के लिए थोड़ा सा फेवरेबल रहेगी। वेन्यू T20 स्टैट्स की बात करें तो यहाँ पे 12 मैचेस खेले गए हैं, बैटिंग वन बहुत जीती है, लेकिन पिछली बार स्टैट्स बदल गया, भारत ने बैटिंग सेटिंग सेकंड करते हुए लगभग खत्म कर दिया ना, दूसरी टीम को विकेट तक नहीं ले पाई, वो अंत में विकेट्स गिरे दोस्तों, रोमेरो शेफर्ड ने विकेट लिए। सॉरी दोस्तों, थोड़ा सा गला खराब चल रहा है मेरा, इग्नोर करिए, क्योंकि नॉलेज मेरे गले से रिलेट नहीं करती, नॉलेज दिमाग से आ रही है। वेन्यू स्कोरिंग पैटर्न की बात की जाए तो 170 से 199 मैंने बोला था 180+ बनेगा, और वही बनेगा दोस्तों, 190 भी जा सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो ज़्यादा आप बैट्समैन को ही प्रेफर करना। अब देखिए दोस्तों, जैसा मैंने बोला 180 के आसपास ये लो, लगभग उतना ही बना, 178 बना दोस्तों। अब आप देखिए उसके आसपास ही बना है कि नहीं बना, अब बताइए, है ना, उतना ही बना दोस्तों स्कोर। फर्स्ट इनिंग्स में 4 विकेट स्पेसर्स ने लिए, 4 विकेट स्पिनर्स ने लिए, है ना। सेकंड इनिंग्स में दोस्तों 1 विकेट पेसर ने लिया और लगभग एक ही विकेट गिरा, है ना, और रोमेरो शेफर्ड ने लिया था, वही साल पहले देखे तब भी दोस्तों 188 बना गया था भारत, तो आज भी मुझे तो आज तो 200 बना जाता, है ना, तो यही बात है। अब आगे चेक करें तो पॉसिबल प्लेइंग 11, अगर पॉसिबल प्लेइंग 11 की बात की जाए तो ब्रेंडन किंग और कार्ल मेयर्स, है
ना दोनों ओपनर करेंगे। मैंने बोला था काइल मेयर्स चलेगा, शायद नहीं चला मेरे अकॉर्डिंग। शी हॉप की अच्छी इनिंग्स थी, निकल्स पूरन नहीं चली आई थिंक, शिमरन हेडमार ने अच्छी इनिंग्स खेली, रॉबिन पॉवेल। दोस्तों शिमरन हेडमार का मैंने नहीं बोला था, वो अपनी मर्जी से चला ठीक है। यूडीसीआर ने नहीं बोला था कि वो चलेगा या नहीं चलेगा, तो वो अपनी मेहनत से चला ठीक है। मैंने इसके बारे में कोई प्रेडिक्शन नहीं की थी। रॉबिन पॉवेल का जरूर बताया था, अब चला कि नहीं चला मेरे माइंड में नहीं है। जेसन होल्डर, रोमेरो, शेफर्ड, अकील, ओडियन ओडियन और ये क्या नाम है इसका, ओबन मकॉय। मैंने बोल दिया था ये विकेट नहीं लेंगे और शायद विकेट लेके भी नहीं गए। तो ये देखिए फुली आउट ऑफ फॉर्म चल रहा है, केवल एक आपको 42 रन का स्कोर मिल रहा है, इसके अलावा आपको कोई स्कोर यहाँ पे नहीं दिखेगा। सॉरी दोस्तों मेरा गला काफ़ी ख़राब चल रहा है। तो ये देखिए काल मेयर, दोस्तों लाइक ज़रूर कर देना एक वीडियो को। मैंने बोला था ये चलेगा लेकिन ये नहीं चला, तो यहाँ हमारी प्रेडिक्शन सही साबित नहीं हुई। 17 रन पे आउट हो गया, 17 रन कोई बड़ा स्कोर नहीं है, बहुत छोटा स्कोर है, लेना नहीं बनता था। शे हो अगर खेलता बंदे को मैं ज़रूर लेता, हाँ इसलिए वीडियो में इसके बारे में कुछ नहीं बताया गया था और ये चला। लास्ट मोमेंट में आपको हम टीम नहीं दे पाए क्योंकि हम बहुत ज़्यादा व्यस्त थे उस समय अगले मैच में। तो दोस्तों आज आपको टीम जरूर मिलेगी, आज मैं फ्री रहूँगा ठीक है, आज आपको टीम जरूर मिलेगी। तो 45 रन, 63 रन, 43 रन और 63 रन, ये बहुत तगड़ी फॉर्म में चल रहा है बंदा, आप ले सकते हो इसको। शे हो टेस्ट प्लेयर है लेकिन T20 में अच्छा खेलता है। निकलस पूरन, इसको आप को लेना ही लेना है, ये बंदा बहुत तगड़ी फॉर्म में चल रहा है। हेटमायर केवल पिछले मैच में चला है, तो वो चीज़ ध्यान में जरूर रखना कि क्या फिर फॉर्म सुधर गई है या नहीं सुधरी है, ये आपके ऊपर है। मतलब ऐसा ना हो कि एक मैच का प्लेयर हो, तो वो चीज़ थोड़ा सा ध्यान में जरूर रखना। अब आगे देखते हैं दोस्तों, रॉफमैन पॉवेल पिछले मैच में नहीं चला, मैंने बोला था हालांकि कुछ ना कुछ करके जाएगा, लेकिन 10-15 ही बोला था मैंने, तो 10-15 भी आप लोगे तो नहीं, 10-15 वाले प्लेयर को आप नहीं लेने वाले, एक रन भी उसके बराबर का ही है। उसके बाद दोस्तों ये मैंने बोला था बिल्कुल भी नहीं लिया दोस्तों, बिल्कुल भी नहीं चले, और वैसा ही हुआ दोस्तों, ना विकेट मिला ना बैटिंग करी, कुछ भी नहीं करी बंदे ने। और मैंने शेफर्ड मैंने बोला था विकेट्स लेके जाएगा और एक विकेट वो लेके गया, पूरे मैच में एक ही विकेट गिरा इसका और यही वो एक विकेट लेके गया सेकंड इनिंग्स में। अकील हुसैन मैंने बोला था मतलब लो ना लो कुछ खास आपको नहीं करके जाएगा, और वही हुआ दोस्तों, कुछ भी नहीं करके, है ना। ओडियन का मैंने पहले बता दिया था विकेट नहीं लेके जाएगा, ओबिट का मैंने बोल दिया था विकेट नहीं लेके जाएगा। अब देखिए स्टार्टिंग ओवर कौन कौन करेगा, है ना, ऑबियट और जेसन होल्डर ठीक है, ये दोनों स्टार्टिंग के ओवर करेंगे, अकील इनको ज्वाइन करेंगे। डेथ ओवर्स की बात करें तो फिर तो सेम है यार, जेसन होल्डर और शेफर्ड ये दो ले सकते हो। ओविड मकाई दोस्तों डेथ ओवर दो जरूर कर रहा है लेकिन वो विकेट लेस है, विकेट नहीं ले पा रहा। वेस्ट इंडीज़ के प्लेयर्स किन के अगेंस्ट कमज़ोर है ना, बिश्नोई, चहल, पांड्या, कुलदीप, लगभग मुझे लगता है ये तीनों चारों प्लेयर अपनी टीम में रहेंगे, तो ब्रैंडन किंग अपनी टीम में नहीं रहेगा, है ना। कैल मेयर्स, यूजी चहल, हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल, अर्षदीप, मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं शायद कैल मेयर्स चल सकता है, लेकिन चहल भी टीम में रहेगा, अर्शदीप भी रहेगा, हार्दिक भी रहेगा, तो कैल मेयर्स को लेने का कोई फायदा नहीं है ना। निकलस पूरन टीम में रहेगा ही रहेगा क्योंकि मुकेश टीम में नहीं होगा, आवेश टीम में नहीं होगा, अक्षर टीम में नहीं होगा, केवल कुलदीप या अर्शदीप में से कोई एक आधा बंदा होगा, तो निकलस पूरन टीम में जरूर रहेगा। शे होप दोस्तों आउट जरूर किया यूजी चहल ने, और यूजी चहल टीम में भी रहेगा लेकिन देखा जाएगा प्लेयर को लेना है कि नहीं लेना, है ना। हेटमायर दोस्तों सारी टीम ने इनको आउट किया है, तो मैं हेटमायर के फेवर में नहीं हूँ क्योंकि मेरी टीम में अर्शदीप भी रहेगा, चहल भी रहेगा, हार्दिक भी रहेगा, कुलदीप भी रहेगा, बिश्नोई भी रहेगा आई थिंक, तो मैं हेटमायर को नहीं ले सकता क्योंकि वो भारतीय अगेंस्ट बहुत वीक है, पिछले उन्हें जरूर चला। रॉबिन पॉवेल भी शायद मेरी टीम में ना रहे, दोनों में से कोई हो सकता है, कोई एक को मैं ले लूँ क्योंकि बिश्नोई, अर्शदीप, कुलदीप, हार्दिक काफ़ी प्लेयर्स मेरी टीम में हो सकते हैं भारत की तरफ से बॉलिंग लाइनअप पे। अब पॉसिबल प्लेइंग 11 की अगर भारत की बात की जाए तो मुझे लगता है कि बड़ा चेंज होगा क्योंकि जायसवाल, शुभमन गिल दोनों ने बढ़िया किया है, सूर्य ने बढ़िया किया, तिलक ने वर्मा ने बढ़िया किया, ये चारों प्लेयर बहुत अच्छा चले, हार्दिक बढ़िया चल रहे हैं। संजू हो सकता है चेंज कर दे लेकिन मुझे लगता है इन कॉम्बिनेशन को छेड़ेगा। उसके बाद अक्षर पटेल है, कुलदीप यादव है, यूजी चाहे 3 स्पिनर्स के साथ भारतीय टीम उतर रही है, क्यों, क्योंकि उनके पास फिर से तीसरा अवेलेबल है हार्दिक पांड्या के रूप में, अर्षदीप, मुकेश और हार्दिक पांड्या। आगे देखते हैं यशस्वी जायसवाल, दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टार्ट बता रहा हूँ, वीडियो स्किप बिल्कुल ही मत कीजिए, वैसे ही मैं बहुत तेज़ बोल रहा हूँ आज, नहीं तो मैं बहुत स्लो बोलता हूँ। जेसवाल की बात की जाए तो 84 रन पिछले मैच में सभा बांध दिया था और मैंने बोला था ये बंदा बढ़िया करेगा दोस्तों, है ना, कोई यकीन नहीं कर रहा था कि दोनों ओपनर कैसे चल सकते जबकि दोनों आउट ऑफ फॉर्म है, लेकिन अगर आप मेरी पिछली वीडियो उठा के देखोगे मैंने बोला उसमें दोनों चलेंगे, है ना, और वैसा ही हुआ, है ना। ये भी 77 रन मार के गया। सूर्य कुमार यादव का तो बात ही अलग है दोस्तों, ये तो अलग ही लेवल का, मतलब दूसरी दुनिया से आया प्राणी है, ये बहुत अच्छी फॉर्म में चल रहा है। उसके बाद तिलक वर्मा दोस्तों लगातार अच्छा प्रदर्शन, कम स्कोर रहते बंदा नॉट आउट घर आता है और आपको क्या चाहिए, इतनी अच्छी फॉर्म में चल रहा है ये बंदा। हार्दिक पांड्या को तो लेना ही पड़ेगा, क्यों, बॉलिंग भी कर रहा है, बैटिंग भी कर रहा है, पॉइंट्स कुछ भी ना दे लेकिन फिर भी बंदे को लेना पड़ेगा क्योंकि डेथ बॉलिंग में एक आधा ओवर ये भी फेंक रहा है।
संजू सैमसन की बैटिंग नहीं आ रही है, को जो जो ये दो हैश मार्क आए हैं, मतलब इनमें बैटिंग नहीं आई, तो आप समझ सकते हो दोस्तों, मतलब एक टैलेंटेड प्लेयर के साथ गलत हो रहा है। गलत नहीं कह सकते, कोई बैटिंग नहीं आ रही तो क्या करे, है ना। अक्षर पटेल दोस्तों हर मैच में लगभग एक ही विकेट लेके जाएगा, तो अगर आपको लेना है तो ये सोच के लीजिए कि ये बंदा 35 के आसपास ही पॉइंट देके जाएगा, इसके ज़्यादा पॉइंट नहीं देके जाएगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता इतने स्ट्रॉन्ग बैटिंग लाइनअप के होते हुए इसकी बैटिंग आएगी। कुलदीप यादव इसको ज़रूर लेना है, क्योंकि मतलब यार वो दौर चला गया जब इसकी फॉर्म ख़राब थी। ये बंदा ऐसा है ना, अब तो ये बैट्समैन की फॉर्म ख़राब कर रहा है, बहुत तगड़ी फॉर्म में चल रहा है, इसको आप कैप्टन बना, मेरे पिछले बार बोला इसे कैप्टन बनाओ, है ना, चाहे शुभमन गिल और जसवी जायसवाल अच्छा प्रदर्शन करके गए, लेकिन 2 विकेट वाला प्लेयर भी बुरा प्रदर्शन नहीं करके गया। 2 विकेट का मतलब है 60-70 पॉइंट एज ए प्लेयर आपको दे रहा था, है ना, और मैंने बोला था इसे कैप्टन बनाना है। आप देखिए अच्छा प्रदर्शन करके गया कि नहीं करके गया, चल एक ही विकेट लेके गया लेकिन प्रदर्शन बढ़िया करके गया दोस्तों, ले सकते हो। अर्षदीप, अर्षदीप डेथ बॉलिंग करता है, 3 विकेट लेके गया, है ना, इंपॉर्टेंट प्लेयर है। मुकेश नहीं दोस्तों, एक एक विकेट जरूर लेना, लेकिन टीम में तभी रखना जब आप इसे चाहते हो कि यार या तो एक विकेट या कोई विकेट नहीं, इससे ज़्यादा ये पॉइंट नहीं देखे जाएगा। अगर ओवर्स की बात करें, स्टार्टिंग में ओवर कौन करता है, अर्षदीप करेगा डेफिनेटली, हार्दिक करेगा, अक्षर करेगा, है ना। मुकेश दोनों तरफ बॉलिंग कर, लेकिन मुकेश विकेट नहीं ले रहा। हार्दिक, अर्षदीप, कुलदीप, ये 3-4 प्लेयर मेरी टीम में जरूर रहेंगे। जायसवाल को शेफर्ट ने आउट किया दोस्तों, ओविड मकॉय ने उससे पिछले मैच में आउट किया होगा, शुभमन गिल अकील और अल्जारी ने आउट किया, लेकिन अल्जारी अवेलेबल नहीं है ना। सूर्या ने को सबकी क्लास लिया दोस्तों, सूर्या, तिलक, ये 3-4 प्लेयर टीम में जरूर रहेंगे। संजू सैमसन नहीं चल रहे दोस्तों, आई मीन चल तो रहे हैं लेकिन बैटिंग ही नहीं आ रही, है ना। हार्दिक पांड्या दोस्तों बॉलिंग बैटिंग दोनों में चल रहे हैं, तो उनको लेना पड़ेगा, हालांकि जेसन होल्डर ने बहुत तंग किया इनको। अब ये प्राइम प्लेयर्स की बात की जाए, काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन है दोस्तों, जिसमें आपको शे होप और निकलस पूरन देखने को मिलेंगे, दोनों ही इनफॉर्म प्लेयर चल रहे हैं, दोनों का आपको लेना बनता है। सूर्या, शुभमन गिल, तिलक वर्मा दोस्तों, यशस्वी जायसवाल का भी नाम है, ऐड कर सकते हो, इनफॉर्म प्लेयर है, उसमें मैंने किया नहीं, हालांकि मैं सारे प्लेयर ऐड कर दूँ तो आपको सर आपने इसके बाद बता दिए, ठीक है, और इसके लिए मेरे दोस्तों थोड़ा सा, है ना, आप चाहे तो जा सकते हैं। रॉमेल और ब्रेंडन किंग आउट ऑफ होम फॉर्म होते हुए मैंने एक प्लेयर ऐसा ऐड किया है जो आपको लेना पड़ेगा, क्यों, ओपनिंग करेगा दोस्तों, हालांकि काल मेर से मैंने साथ में ऐड जरूर किया, लेकिन ये बंदा ओपनिंग करेगा तो उस लिहाज से इंपॉर्टेंट बन देता है, क्योंकि प्लेयर काफ़ी अच्छा है, ब्रेंडन किंग एक जाना माना नाम है ऑलराउंडर सेक्शन से, अक्सर मैंने ऐड नहीं किया यहाँ पे, हार्दिक और कैल मेयर्स को ऐड किया गया है, कैल मेयर्स मैंने ओपनर, मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं ये चल सकता है, दैट्स वाई एक टीम में आप इनको कैप्टन जरूर बनाना, ये अच्छा प्रदर्शन करके जा सकता है। बॉलिंग में बात करें दोस्तों, तो आप देख रहे होंगे मैंने मुकेश को ऐड नहीं किया, वो कर भी नहीं रहा कुछ, मैंने केवल शेफर्ड को ऐड किया है इनकी साइड से, और भारत की साइड से मैंने अर्षदीप, कुलदीप, चहल जो इंपॉर्टेंट प्लेयर है, क्योंकि मैं हार्दिक को एज ए चौथा बॉलर अपनी टीम में ले चुका हूँ, है ना। पहले मैच की एनालिसिस की अगर बात करें, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है, लोग ज़्यादातर इसे इग्नोर कर देते हैं, लेकिन यूडीसीआर इसे इग्नोर नहीं करते, क्योंकि इन्हीं के बेस पे हमारे यूजर्स बड़ी बड़ी ग्रैंड लीग जीतते हैं, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है। यहाँ पे देखिए आपको लगातार पता लगेगा, दोनों मैंने डेथ ओवर्स लिखवाए हैं, देखो मुकेश 2 ओवर में कर रहा है लेकिन विकेट नहीं ले रहा, दोनों मैच 18 और 20 में विकेट नहीं लिया, जबकि अर्षदीप यहाँ पे गुच्छों में विकेट ले रहा है, 2 विकेट ले गया, कपल ऑफ विकेट टेकन, अर्षदीप 2 2 विकेट लेके गए, सॉरी 2 2 ओवर करके गया। यहाँ पे रोमेरो का 1 ओवर आ रहा है, रोमेरो का एक दूसरा ओवर भी आ रहा है नीचे, ऑब्वियड के 2 ओवर कर रहे हैं लेकिन वो विकेट नहीं लेके जा रहा, जिस तरह होल्डर के 2 ओवर आ रहे हैं लेकिन वो विकेट लेस है, यहाँ पे जरूर 2 विकेट लेके गया लेकिन बाद में वो विकेट नहीं ले रहा, है ना। और ये देखिए हार्दिक के 4 ओवर लगातार आ रहे हैं, है ना, बाकी बैटिंग भी आप देख सकते हो, 28 रन, 48 में पहला ODI है, T20 है। सेकंड में बात करो, फिर ओविड मकाई के 2 ओवर डेथ में आए दोस्तों, अल्जारी के 2-3 ओवर डेथ में आए, अकील के आए, रोमेरो शेफर्ड ने फिर 20वां ओवर किया दोस्तों, है ना। भारत की तरफ से ये तो फैक्ट है दोस्तों, भारत की तरफ से मुकेश और अर्षदीप भी डेथ बॉलिंग कर रहे हैं। तीसरे में भी आप देख सकोगे मुकेश, अर्षदीप और चहल, चहल 16 ओवर कर रहे हैं, दैट्स वाई वो इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे तो दोस्तों रोमेरो शेफर्ड फिक्स है, रोमेरो शेफर्ड डेथ बॉलिंग कर रहे हैं। फोर्थ एनालिसिस की बात करें, फिर रोमेरो शेफर्ड दोस्तों, होल्डर और रोमेरो शेफर्ड डेथ बॉलिंग जरूर कर रहे हैं यहाँ पे, फिर अर्षदीप मुकेश, अर्षदीप कुलदीप, तो ये एनालिसिस रहेगा। अब ये टीम फाइनल ये दोस्तों, ऐसा मत सोचना कि ये टीम के साथ मैं आ जाऊंगा, मेरी टीम आपको टेलीग्राम पे मिलेगी, टेलीग्राम सब ज्वाइन करिए और सब्सक्राइब हमें ज़रूर कर दीजिए, आपके साथ बहुत मज़ा आया, धन्यवाद दोस्तों, अगली वीडियो में मिलते हैं।